में उप सरपंच द्वारा अवैध अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है, जहां उप सरपंच ने ग्रामीणों को अंधकार में रखकर सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर अपना निजी मकान बना लिया। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने अधिकारियों से भी की, तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी जांच करने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और ग्रामीण सीधे तौर पर उप सरपंच और अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि मीडिया के दखल के बाद अब संबंधित अधिकारी पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। अतिक्रमण हो रहा है सर, अत्याचार हो रहा है आज सोनपुर में है, काफी अत्याचार हुआ है, काफी अतिक्रमण हो रहा है सर। न गौ मरघट है, न मनसे मरघट है, न देवस्थान, सबको काबिज कर लिए। मैं अगला ग्राम सभा में इसका प्रस्ताव भी भेजा था, पता नहीं इसलिए मैं कल ग्राम सभा में गया भी नहीं है। कोई भेल व्यसन नहीं होता है ग्राम सभा का। पानी हाउस के संबंध में जुटे हैं, है ना, अतिक्रमण किया है और जो जोत दिया है, फसल लगाया है और घर को तोड़ दिया है। कौन किया है? राजकुमार साहू जी। ये कौन है यहाँ पे? उप सरपंच है अभी। उप सरपंच होते भी यहाँ पे जो यहाँ पे काबिज कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? उसको कार्रवाई होना चाहिए, काप आ जाता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है ना कार्रवाई, है ना, कार्रवाई होता है ना, कुछ होता है ना, देखभाल करता है, कुछ नहीं। हाँ, कार्रवाई नहीं हुआ तो कार्रवाई नहीं होगा तब का करेंगे, फिर देखेंगे, फिर उपाय ऊपर तक है ना, यही तो है। जानकारी अभी प्राप्त हुई है और निश्चित तौर पे अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, सरपंच हो, उप सरपंच हो, अगर लोगों को धोखे में रख के इस तरह के कार्य करता है, अतिक्रमण करता है, तो निश्चित तौर पे अतिक्रमण के कार्यवाही करने के लिए प्रथम स्तर पे ग्राम पंचायत सक्षम है। किसी कारण से अगर ग्राम पंचायत उक्त अतिक्रमण को नहीं हटा पाती है तो राजस्व विभाग के माध्यम से इसको हटवाई जाएगी। एक्सप्रेस स्पेशल में आज फिलहाल इतना।